तो सुबह के 11 बज रहे हैं, आज थोड़ी जल्दी आँख खुल गई थी जॉब पे से, तो मैं डायरेक्ट यहीं आ गया ऑफिस। छोटा ऑफिस में हम देख रहे हैं सेटे वगैरह, लेकिन आपको भी दिखाते हैं, ले भी ली मैंने दो, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगी हुई है और ये देखो सेटे वटे लगी हुई सारी, तो मैं अपनी भी दिखाता हूँ मैंने कौन सी ली है। पहनेंगे ना तो ये आउट क्लास की गर्दियों की है, गर्दियों की नहीं है, खैर अच्छी लग रही थी तो मैंने ले लो। 100 रुपये में क्या बुरा है यार, 100 रुपये में और क्या इसकी। तो यहाँ पर ठेले शेले लगे हुए हैं भाई, बड़ा अच्छा माल होता है लोंडा का। पार्टी वाले ने घुटने टेक दिए, मैं नहीं मानता। अगर आप लोग आए हो बोट ऑफिस भैया है तो आओ भाई, 100-100, 50-50, 150 में लूट लो। तो रास्ते में आते वक्त ये आप स्वीट दिख गई, तो मैंने बोला क्यों ना कुछ खाने पीने का हल्का फुल्का आइटम हो जाए। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। सो फ्रेशमेंट का सामान ले लिया, अब घर जाते हैं, घर जाके खाएंगे। तो घर पहुंचने के बाद मुझे भूख बहुत टाइट लगी हुई है, क्योंकि मैं डायरेक्ट जॉब पे से आ रहा था, आज कल नाइट थी मेरी, तो मैंने सारा शॉपिंग वॉपिंग कर ली है। सो अब खाते हैं, पहले ये चख के देखते हैं कैसा है। जा पूछ क्या, ये भी बहुत मज़े का है, ज़बरदस्त किस्म का यार। सो गाइस फिर हम रेडी हो चुके हैं, तो अब देखते हैं किधर की तरफ जाना है। नीचे जाते हैं दोस्त यारों के पास थोड़ी देर, फिर सिस्टर के घर जाएंगे। तो फिर ये वाली चेन आपने देखी होगी, मैंने ये चेन ली थी उस दिन सुपर जनरल गोदाम वाले ब्लॉग में, जो मैंने दिखाई थी वो ये चेन थी, ये अंगूठी थी। अच्छा, ये दो चीज़ें ली थी मैंने, ये भी बहुत भारी पड़ गई थी, खैर बैरल ले ली थी, फिर हो गया सब कुछ। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ, देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं, नीचे जाके फिर आगे का ब्लॉग बनाते हैं। तो घर पे से आने के बाद अब मैं आ गया हूँ यहाँ क्रिकेट खेलने, तो अपनी टीम ने हमारे को बुला लिया, मैं पीछे खड़ा हुआ स्टेट, ये हमारी टीम खेल ली है, अब देखते हैं आज मैच का क्या सूरत हाल बनता है। We'll be right back.
मुनी लगाइयो अबे हमने कहा यार तू कौन इसराइल जीते ये वाले इसराइल जीते कभी लगता है क्या पुनीत भगवान है मुनी बाप हार गए कौन आप हार गए अबे बिकावा का सो फाइनली हमारे सामने वाली टीम जीत गई बहुत मेहनत करी बट क्या करें बेमान है साले चले चलते हैं किसी और तरफ अब अब्दुल्ला भाई तो फिर हमने ये अब्दुल्ला भाई की पेंटिंग बनाई है आपको मैं दिखाता हूँ बहुत मेहनत लगी यार 2 घंटे लग गए उसके बाद भी तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते देखो लग रहा है ना अब्दुल्ला लेटा हुआ इस पे भी फिर कैसा लगा आपको अब्दुल्ला अगर अब्दुल्ला अच्छा लगा तो ये लाइक करके बताओ मुझे ये हमारी अफलातून मसरूफ हुई हुई है ये देखें इन्होंने हालत क्या बनाई हुई है इनको कार्टून इतने अजीज हैं ये इन्होंने मुंह पे चॉकलेट इसकी चॉकलेट तबीयत से मुंह पे भरी है पहले उसके बाद इन्होंने अभी ये फुल मसरूफ हैं सिर्फ कार्टून में मसरूफ है इनको और कुछ नहीं पता कि कौन आया हुआ है कौन गया हुआ है प्यारी समझ गई सो काफ़ी दिनों से मेरा एक दिमाग घूमा हुआ था मेरे को बार बार मेरे सामने आया जा रहा था लावा पिज़्ज़ा तो मैंने बोला क्यों ना आज इतवार का दिन है आज फारिक है तो आज हम लोगों को लावा पिज़्ज़ा खाना चाहिए तो मैं आ गया मेन मार्केट खारादर स्टार मेडिकल के पास तो आज हम लोग आए हुए हैं चिल्ली ड्राई फ्राई पिज़्ज़ा खाने लावा पिज़्ज़ा खा के देखते हैं आज इनका क्या टेस्ट है बड़ा मशहूर नाम सुना है आज देख ही लेते हैं सो फाइनली मैंने सबसे पहले इनसे एक बीफ चीज़ बर्गर मंगवाया उसके बाद बीफ चीज़ बर्गर टेस्ट करा तो मुझे इतना मज़ा नहीं आया फिर भी काफ़ी बेहतर था इतना जायका नहीं लेकिन चीज़ बहुत सारी डाली थी भाई ने सो फाइनली हमारा लावा पिज़्ज़ा भी रेडी है तो लावा पिज़्ज़ा का मैंने ढक्कन उठाया उसके बाद जब मैंने उसको हाथ में लेने की कोशिश करी तो वो हाथ में ही नहीं आ रहा उन्होंने ऐसी पैकिंग करी थी कि वो पैकिंग ही नहीं टूट रही मैं कोशिश करता रहता हूँ देखें पैकिंग ही नहीं खुल ली फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से ये पैकिंग खोल ली आखिर खोलने के बाद जब मैं इसको हाथ में लेने लगा जब हाथ में लिया तो यार वाकई पिज़्ज़ा तो बहुत चीज़ें है और बहुत यम्मी लग रहा सो फिर आप लोगों ने अगर नहीं खाया इसको खारादर आके तो खारादर आके प्लीज़ यार खा के चेक करें बहुत यम्मी है यार बहुत इंग्लिश तो फिर मैंने उठा के उसका बाइट मारा तो बड़ा ही मज़ा आया यार बहुत सो खारादर से फारिग होने के बाद जब हमने अपना पिज़्ज़ा लावा पिज़्ज़ा खा लिया तो फिर मेरे दोस्त ने बोला आओ तुम्हें रेंशोलेन से सोडा पिलाऊं तो जब हम रेंशोलेन सोडा पीने गए तो ये गौसिया सोडे वाले के पास आए तो यार इसका तो एक अपना ही जायका था और अपना ही स्वैग था पेप्सी में स्ट्रिंग में फांटा में हर चीज़ में ये सोडा बना के दे रहा भाई और उसके बाद अपना एक इसका अपना भी एक फ्लेवर था सोडे का बहुत बाकी बहुत मज़े का था ये सोडा भी और बहुत अच्छा था अगर आपने रेंशोलेन में नहीं पिया तो आप आके पी के चेक करें बहुत इंग्लिश है गौसिया सोडा खैर मैंने तो पेप्सी में बनवा के पिया अब आप लोगों को क्या पसंद है आप उस तरीके से बनवाइएगा पर ये आदमी को देख रहे हैं आप ये किस तरीके से पी रहा है इसका बस नहीं चले तो ये 3-4 गिलास आज ही पी जाए सो फाइनली आज का व्लॉग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं आज बहुत इंजॉय किया संडे को तो दुआओं में याद रखिएगा और डेली व्लॉग में सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करिएगा